हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत ने एक जंग छेड़ दी थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। उनका कहना था कि जितने भी स्टार किड्स हैं वो इंडस्ट्री में आते हैं, उसके बाद मुकाम पाते हैं, घर का पैसा घर में ही रह जाता है, ऐसा कह के उन्होंने नेपोटिज्म को पॉइंट किया था। लेकिन बता दें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, जो स्टार किड्स तो है लेकिन उनको शायद उतना फायदा नहीं हुआ जितना बाकी स्टार किड्स को हुआ है। तो उन्हीं में सब नाम सामने आ रहा है यहाँ पर शाहिद कपूर का। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहिद कपूर के पापा, जिनका नाम पंकज कपूर है, जिन्होंने अपना करियर काफी पहले से शुरू कर दिया था, उसके बाद उनकी माँ जो नीलिमा अंदाज है, जी हाँ, उसके बाद इनका जो करियर था वो इसी तरीके से शुरुआत है कि बॉलीवुड के स्टार किड के हिसाब से। लेकिन इनका कहना है कि मुझे उतना फायदा नहीं हुआ जितना बाकी लोग चिल्लाते हैं इस बात पे कि नेपोटिज्म से स्टार किड्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अंदर की हकीकत क्या है यह हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो इंसान इस चीज से गुजर रहा है उसको अंदर की हकीकत का मालूम होता है। लेकिन बता दें कि कंगना रनौत के ऐसे कहने पे काफी स्टार किड्स भी सामने निकल कर आए थे, लेकिन उनका कहना था कि हर जगह नेपोटिज्म नहीं चलता है, हर जगह नेपोटिज्म के साथ साथ स्टार किड्स वाला मामला भी नहीं चलता है, इसके लिए काम आना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। मेरे को भले ही थोड़ा समय लगा इंडस्ट्री में अपने पैर पसारने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पैर शायद पसार चुका हूँ। और आपको बता दें कि आपको याद ही होगा कि अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आई इनकी फिल्म कबीर सिंह ने काफी धमाल मचाया था थिएटर में, और लोगों ने भी काफी ज्यादा पसंद किया था, जो फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी। और अभी उनकी नई फिल्म आने वाली है जर्सी, जो 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब यही देखना है कि जर्सी कब रिलीज होती है, क्योंकि इसका ट्रेलर तो हम सब देख ही चुके हैं, उसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा मजेदार है। जैसे कबीर सिंह के लिए हम एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, जर्सी के लिए भी लोगों में वही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अब कोरोना वायरस के थमते इस फिल्म को जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है अगर थिएटर में नहीं हुई तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया जाएगा। तो देखना होगा कि फिल्म का अंदर क्या होता है और फिल्म कैसी जाती है, और अपनी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइफ।